पोको F1 के लिए डरफेस्ट का न्यू अपडेट आया हुआ है एंड्रॉयड 14 का, और ये भी अल्फा बिल्ड ही है उसे तो, बट यहाँ पे काफ़ी चेंजेस अभी हमें देखने को मिले हैं इसके अंदर में। पिछले अपडेट में जैसे कि डेव स्पेस वाला इसका सेक्शन ऐड हुआ था जिसमें कस्टमाइजेशन इसका पूरा, और इस बार फेस अनलॉक भी ऐड हुआ है, और भी काफ़ी चेंजेस देखने को हमें इसके अंदर में मिले हैं। तो चलिए देखते हैं पिछले अपडेट के मुकाबले यहाँ पर हमें क्या चेंजेस मिलते हैं, बैटरी बैकअप परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क पड़ा है नहीं पड़ा है उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि डरफेस्ट का ये जो है एंड्रॉयड 14 का ऑफिशियल बिल्ड है ये, सिक्योरिटी पैच अभी भी हमें नवंबर 2023 का मिलता है, कर्नल भी रेक्स वाला सेम वर्जन के साथ आता है, सेलिन स्टेटस इनफोर्सिंग है। बाकी QS पैनल बाय डिफॉल्ट अब एंड्रॉयड वाला कर दिया गया है यहाँ पे, एंड्रॉयड 11 का यानी कि कर दिया गया टाइल्स यहाँ पे, बट इसको चेंज भी आप कर सकते हो जो कि सेटिंग में मिल जाएगा। बट टाइल्स न्यू की अगर बात करें तो कोई भी टाइल्स ऐसा न्यू देखने को नहीं मिलता, सिमिलर है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग सेम है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में थोड़े से जिटर्स लैग यानी कि देखने को मिलते हैं। वॉल्यूम पैनल सेम है। ऐप ओपनिंग एनिमेशन की अगर बात करते हैं तो ऐप ओपनिंग एनिमेशन में थोड़ा बहुत जिटर कुछ एप्लीकेशन में मिलता है, बट एंड्रॉयड जो एनिमेशन इसका एंड्रॉयड स्केल एनिमेशन के अंदर वो 0.5x कर देना थोड़ा ठीक रहेगा। स्क्रीन शॉट सेम है, बाकी यहाँ पे कोई चेंज है नहीं, और कैमरा अपर्चर का ही देखने को मिलता है इसके अंदर में, बाकी जीकेम आप मैन्युअली इसके अंदर इंस्टॉल करना, अच्छे तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे। एंड वाइड बैंड L1 का सपोर्ट हमें मिलता है पहले की तरह, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, और FM काम कर रहा है। बाकी म्यूजिक एक प्लेयर आपको यहाँ पे जो है ये प्री इंस्टॉल देखने को इसके अंदर में मिलने वाला है इस अपडेट में। एंड गूगल फोटो के अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज का सपोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। प्ले स्टोर भी हमारा सर्टिफाइड ही आता है, तो सेफ्टी नेट भी इसके अंदर बिल्कुल काम कर, इसको लेके भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, बैंकिंग ऐप आराम से यूज़ कर पाओगे। वॉलपेपर स्टाइल के अंदर यहाँ पे उसे वॉलपेपर तो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। बाकी इसके लॉकिंग के अंदर में जो क्लॉक कलर का ऑप्शन है पहले क्रैश कर रहा था, इस बार भी जो है ये क्रैश किया था, बट क्या हुआ कि क्रैश करने के बाद एक बार डिवाइस जब रिस्टार्ट किया तो वापस ये काम करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे ये चीज़ तो ऐसे ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर क्रैश करे तो एक बार डिवाइस रिस्टार्ट कर लेना, उसके बाद देखना ये काम कर जाएगा। एंड नीचे फिर लॉकिन शॉर्टकट है, बाकी यहाँ पे चेंज है नहीं, वहीं चलते हैं लॉकिन ऑप्शन की तरफ मोर में। तो यहाँ पे म्यूज़िक टीकर का ऑप्शन हमें न्यू देखने को मिल जाता है, ये एक ऑप्शन न्यू है, बाकी तो आपको यहाँ पे सेम ही मिलेगा। कॉलिंग के अंदर उसे हमारा कैरियर वीडियो कॉल बिल्कुल काम कर रहा है, वाईफाई कॉलिंग वर्किंग मिल जाता है। एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और पिछले बिल्ड के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रिमूव हो गया था बट इस बार ऐड हो चुका है और ये अलर्ट करता है अभी भी। बाकी ब्लूटूथ डिवाइस मीडिया कॉलिंग दोनों पे ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बैटरी बैकअप के मामले में देखें तो सेम है, 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 87% मिला है, पिछले में भी सेम था तो बैटरी में कोई फर्क नहीं पड़ा। चार्जिंग देखें तो 60% चार्ज करने में 1 आवर 33 मिनट के करीब का टाइम यहाँ पर लगा है, तो सिमिलर है ये भी पहले की तरह। बैटरी ड्रेन में अगर देखोगे तो नाइट में 85% था, मॉर्निंग में 83, तो यहाँ पे 2% का नाइट में ड्रेन मिला जो कि नॉर्मल है। एंट्री टू स्कोर हमें यहाँ पे 4,60,000 देखने को मिला है, पिछले में 4,54,000 देखने को मिला था जो कि ये भी सिमिलर ही है। CPU थ्रो रेट यहाँ पे हमें 69% मिला है, और जिप स्कोर में मैक्स में देखोगे तो 2,06,000 है, एवरेज स्कोर 1,66,000 है। पिछले में CPU थ्रो रेट 73% था, जिप स्कोर पिछले का मैक्स पे 2,27,000 था, एवरेज स्कोर में 1,95,000 था, पिछले थोड़ा सा बेटर था। एंड गिग विंच स्कोर सिंगल में 566 था और मल्टी के अंदर यहाँ पे यानी कि है, और मल्टी के अंदर 2005 है, पिछले में सिंगल स्कोर हमारा 569 था और मल्टी के अंदर 2002 है, तो ये अगर देखोगे तो गिग विंच स्कोर हमारा सिमिलर है। एंड नेटवर्क एंड इंटरनेट में हॉटस्पॉट के अंदर चेंजेस हुए हैं कि यहाँ पर अब आपको एपी बैंड्स जो है देखने को मिल जाता है, पहले नहीं था, साथ साथ हिडन नेटवर्क मिल जाएगा कनेक्टेड डिवाइसेस, पहले यहाँ पर जो है सिर्फ एक्सटेंड कैपेबिलिटी का ऑप्शन था और रिमूव हुआ है, बाकी ये तीन ऑप्शन न्यू ऐड हुए हैं। एंड प्राइवेट डीएनएस सेम रहेगा, तो यहाँ पे ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है, कनेक्टेड डिवाइसेस में भी कोई चेंज नहीं है, कास्ट का यूज़ आप कर पाओगे इसके अंदर में। बाकी ऐप्स के अंदर जाते हो तो यहाँ पे भी वैसे चेंजेस देखे तो यहाँ पे सिमिलर ही सेटिंग्स है, चेंज तो देखने को नहीं मिल रहा है इसके अंदर। यहाँ पे क्लोन्ड ऐप है, असिस्टेंट वर्किंग है, क्लोन्ड ऐप आपके वर्किंग है, लेकिन हाँ लॉन्चर ज़रूर चेंज हुआ है, पहले पिक्सल लॉन्चर आता था बट अब यहाँ पे डर्फ लॉन्चर अब देखने को मिल रहा है इसका, तो हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स मिल जाएगा, एट ग्लेंस का यहाँ पे मिल जाता है, आइकन पैक मिल जाता है इसके अंदर, नोटिफिकेशन डॉट हो गया, यूज़ थीम्ड आइकन इन ऐप ड्रॉयर के लिए मिल जाएगा, एंड नीचे ड्रॉयर की बैकग्राउंड ऑपेसिटी के लिए मिल जाएगा इनका आइकन साइज़ फॉन्ट साइज़, एंड ये रिसेंट के लिए कुछ स्क्रीन शॉट लेंस क्लियर ऑल बैकग्राउंड ऑपेसिटी ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो ये लॉन्चर चेंज हुआ है यहाँ पे, पहले पिक्सल लॉन्चर था। अब डैश स्पेस की इसकी सेटिंग में बैटरी स्टाइल तो सिमिलर है, इसमें चेंज नहीं हुआ है, क्लॉक की सेटिंग भी सेम है, स्टेटस बार भी सेम ही देखने को मिल जाता है, यहाँ पे वोल्टी आइकन है, ट्रैफिक इंडिकेटर सेम है। मिसलेनियस के अंदर स्टेटस बार लिरिक का ऑप्शन आपको मिलेगा न्यू, जो कि सिर्फ सपोर्टेड म्यूजिक ऐप पे काम करेगा। एंड 4G आइकन का ऑप्शन यहाँ पे न्यू मिल जाता है।
QoS पैनल के अंदर नोटिफिकेशन में कोई चेंज नहीं है। क्विक सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे QoS टाइल लेआउट न्यू है, इसी के अंदर आपको यहाँ पे पैनल चेंज करने के लिए मिलता है, जो कि स्मॉल वाला भी है जो कि एंड्रॉयड 11 वाला, यहाँ पिल जो कि लार्ज वाला करोगे तो आपका नॉर्मल वाला देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से अब आप जो है इसको चेंज कर पाओगे, बट बाय डिफॉल्ट जो है सेट रहता है यहाँ पे ये स्मॉल वाला। एंड टाइल लेआउट जो कि टाइल सेप जो यानी कि चेंज कर पाओगे यहाँ से, और कॉलम की भी सेटिंग मिलती है, बाकी बाहर में कहीं कोई चेंज हमें नहीं मिलता। लॉकिंग के अंदर लॉकिंग में देखोगे तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, बट इसके अंदर अम्बिंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन ये न्यू है, जो कि बैटरी बार बैंक चार्जिंग का ऑलवेज 100 बैटरी बार का ऑप्शन यहाँ पे ये ऑप्शन न्यू मिलते हैं। बाकी सिस्टम के अंदर जेस्चर जनरल सेटिंग सभी सेम है, खाली रहती है। एंड यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन में कोई चेंज नहीं मिला, कस्टमाइजेशन के अंदर जो सेटिंग्स पहले मिलता था वही सेम सिमिलर सेटिंग्स के साथ आता है, तो इसके अंदर आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। और बाहर भी आपको जो है पल्स का ऑप्शन मिलता तो आपको देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन में भी कोई चेंज नहीं आया। बैटरी के अंदर यहाँ पे एक ही चेंज है कि बैटरी विजेट्स का ऑप्शन यहाँ पे ऑफिस देखने को मिलेगा, और कोई चेंज नहीं है। एंड साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर जाओगे तो इसके अंदर वॉल्यूम पैनल टाइम आउट का ऑप्शन आपको न्यू देखने को मिल जाएगा। वाइब्रेशन एंड हैप्टिक सेम है, अच्छे से काम करो इसे। एंड नीचे फिर आपको यहाँ पर जो है MI साउंड सेंसर मिलेगा जो कि बिल्कुल काम कर रहा है। और डिस्प्ले के अंदर जाते हो तो यहाँ पे डार्क थीम में आपको ऐसे प्योर ब्लैक मिल ही जाता था पहले से ही। एंड लाइव डिस्प्ले है, नाइट लाइट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता अभी भी। बाकी तो यहाँ पे रोटेशन मोड्स आपको नॉर्मल ही मिलेंगे, और सेटिंग में कहीं कोई चेंज यहाँ पे हमें डिस्प्ले में नहीं मिलता। और सिक्योरिटी के अंदर अब जाओगे तो सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पर जो है आपको फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है, पहले नहीं था बट अभी फेस अनलॉक ऐड हो चुका है। और एक चीज़ याद रखना, फेस अनलॉक ऐड करने के बाद फर्स्ट टाइम जब ऐड करो तो एक बार डिवाइस रिस्टार्ट कर लेना, उसके बाद फेस अनलॉक आपका काम करेगा। डिवाइस रिस्टार्ट किए बिना यूज़ करोगे तो काम नहीं करेगा, तो चीज़ ध्यान रखना। बाकी और सेटिंग में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ, सिक्योरिटी में सिर्फ आपको यहाँ पे फेस अनलॉक मिलता है। और यहाँ पे हमारा जो फिंगरप्रिंट है अच्छे तरीके से काम कर रहा है, नॉर्मल एनिमेशन देखने को मिल रहा है। बाकी फेस अनलॉक यहाँ पे वर्किंग है, बस एक बार डिवाइस रिस्टार्ट कर लेना, और IR फेस अनलॉक है जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बाकी सिस्टम के अंदर बाहर अब नेविगेशन मोड मिल जा रहा है, अंदर भी और यहाँ बाहर भी है, पहले बाहर नहीं था। एंड जेस्चर जो हाइट जेस्चर बार दिया गया है इस पर हाइट कीबोर्ड जेस्चर बार का ऑप्शन न्यू मिल जाएगा, और तो कोई चेंज है नहीं यहाँ पे। एंड जेस्चर के अंदर भी जाओगे तो यहाँ पे भी नेविगेशन मोड मिलता है, बाकी यहाँ पे ऐसा कोई चेंज है नहीं। बटन जो है पूरा सेम रहेगा, सिर्फ बटन के अंदर एक ऑप्शन है जो कि टास्क बार का ऑप्शन ये न्यू मिल जाता है, यानी कि टास्क बार अगर आप यूज़ करते हो तो आप यूज़ कर पाओगे, ये ऑप्शन ऐड हो चुका है। बाकी कोई चेंज और आपको यहाँ पे नहीं मिलता, और बाहर भी सिमिलर ही रहेगा। इस भी कन्फिगेशन ये सब हार्ड नोज डेवलपर ऑप्शन पे मिल जाएगा। एंड गेम स्पेस ये भी सेम ही आता है सेम सेटिंग्स के साथ में, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। और अगर बात करें ग्राफिक को लेकर के तो ग्राफिक भी आपको पहले की तरह मिलेगा, स्मूथ पे एक्सट्रीम और HDR पे अल्ट्रा तक रहेगा, तो स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे हम यहाँ पे खेलने वाले हैं। और गेमिंग को लेकर के अगर बात करें तो गेमिंग में जैसे कि पिछले में ही थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई थी उसी टाइप से, ज़्यादा कोई फर्क अभी नहीं पड़ा है, तो पिछले अपडेट जैसा ही ठीक ठाक से थोड़ी सी यहाँ पे रहने वाली, अभी भी उतनी तगड़ी नहीं है। तो एंड्रॉइड 13 के मुकाबले तो अभी उतना अच्छा नहीं मिलता, एंड्रॉइड 13 ज़्यादा बेटर रहेगा अभी भी आपका। तो अभी मेरे हिसाब से एनिमेशन के मामले में भी अगर आप देखोगे तो एंड्रॉइड 13 थोड़ा बेटर ही है, क्योंकि एनिमेशन में भी थोड़ा कुछ जिटर्स अभी इसके अंदर हैं देखोगे तो। और एनिमेशन स्केल जैसे कि बताया वो आपको 0.5x करोगे तो थोड़ा बेटर मिल जाएगा, बट डेली लाइफ यूजर्स में भी कुछ बग मिले गए हैं। वॉल्यूम पैनल भी कभी कभी जब एक्सपेंड करते हो तो एक वॉल्यूम पैनल बिल्कुल अलग ही एकदम होम स्क्रीन पे आ जाता है सेंटर पे, वो सब इशू भी हैं जो कि कभी कभार आते हैं। तो डिवाइस रिस्टार्ट करोगे तो फिर वापस ठीक हो जाता है, तो ये सब अभी डेली लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से अभी भी जो आपको वेट करना चाहिए एंड्रॉइड 14 के लिए, पूरा थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाए जब तो आप यूज़ करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी के लिए एंड्रॉइड 13 ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा स्टेबल आपको मिल जाएगा, एंड्रॉइड 14 अभी उतना नहीं है। तो यही चेंजेस है जो कि फ़िलहाल इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, और यही सब कुछ था। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।